नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सार्थक क्लासेस में। मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत मैथ में हम सबसे पहले ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जिनको हम तर्क के आधार पर यानी रीजनिंग अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करने में एक तरफ जहाँ आपका समय तो बचता ही बचता है, जो एक्यूरेसी रेट होती है वो भी बहुत अधिक हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे औसत के। औसत संबंधित लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस होता है, तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला जो प्रकार है, अभी आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। किसी ग्रुप के मेंबर्स की संख्या अगर एक्स है और एवरेज ग्रुप का वाई है, और एक नए व्यक्ति के आ जाने से नया एवरेज ग्रुप का अगर जेड हो जाता है, तो नए आए हुए व्यक्ति जो मेंबर नया शामिल हुआ है ग्रुप में, उसकी अगर आपको एज निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है एक्स जेड माइनस वाई प्लस जेड। और इसी तरीके से अगर ग्रुप में जो मेंबर थे उसमें से कोई मेंबर बाहर चला जाता है, और उस कंडीशन में अगर उस मेंबर की उम्र पूछनी हो, एज फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स वाई माइनस जेड प्लस जेड। और ये केवल एज पे ही अप्लाई नहीं होता, वेट में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो चाहे एज की बात हो या वेट की बात हो, सेम फार्मूला हमारा वर्क करेगा। बट क्या ये फार्मूला हमें याद करना ज़रूरी है? देखिए, फार्मूला आप याद करेंगे एग्ज़ाम में आप जाके भूल जाएंगे, और जरा सा भी प्लस माइनस इधर से उधर हुआ, उस फार्मूले से लगाया गया जो सोल्यूशन है वो भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला क्या कहता है, देखिए कि जब भी कोई ग्रुप है नंबर ऑफ पीपल्स का, उसका एवरेज दिया हुआ है, और नए मेंबर आने या जाने के बाद ग्रुप का एवरेज दिया हुआ है, उस कंडीशन में अगर आपको एज निकालनी है या वेट निकालना है, तो सिंपल सा अप्रोच ये कहता है फार्मूला कि पहले तो आप जो एवरेज है, जो पहले एवरेज था जो बाद में एवरेज था, उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने का मतलब, देखिए अगर ग्रुप सदस्य शामिल हो रहा है तो एवरेज बढ़ जाएगा, ग्रुप सदस्य बाहर जा रहा है तो कम हो जाएगा। तो आपको एवरेज में क्या करना है, ज़्यादा में से कम माइनस कर देना है। उसके बाद मेंबर के शामिल होने से पहले जो ग्रुप सदस्यों की संख्या थी, ग्रुप मेंबर्स की नंबर थी, उससे मल्टीप्लाई कर देना, और जो नए व्यक्ति के आने जाने से एवरेज हुआ उसको आपको प्लस कर देना है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं और आसानी से इसको हम समझ पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर वन देख लेते हैं। एक 10 व्यक्तियों के समूह का औसत 20 था, यानी एक ग्रुप था 10 मेंबर्स का और एवरेज था 20 ईयर एज का। एक नया व्यक्ति और आ जाता है उस ग्रुप में, और इस कंडीशन में जो नया एवरेज हो जाता है वो 25 हो जाता है। तो आपको बताना कि जो नया व्यक्ति है उसकी उम्र क्या होगी। हमने जो रीजनिंग अप्रोच से फार्मूले को समझा वो ये समझा कि जो एवरेज का डिफरेंस है उसको हमको माइनस करना है। जितने ग्रुप मेंबर्स थे नए व्यक्ति के आने या जाने से पहले, उससे हमको उसे मल्टीप्लाई करना है। जो भी रिजल्ट आए उसमें जो नया एवरेज है उसको हमें सम कर देना है। तो इस तरीके से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले एवरेज जो है 20 था, बाद में 25 हो गया, अंतर इसका 5 आ गया। ठीक है, ग्रुप मेंबर कितने थे, 10 थे। दोनों को हमने देखा हुआ कि दोनों को हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है 50 प्लस जो बाद का एवरेज होता है उसको हमें इसमें प्लस कर देना है। तो टोटल कितना हो गया, 75। तो हमारा राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने ये समझ लिया हमें क्या करना है कि डिफरेंस निकाल के जितने ग्रुप मेंबर थे उससे मल्टीप्लाई करना, और जो नया एवरेज है, देखिए पुराने एवरेज को मत आप सम कर दीजिएगा, जो नया एवरेज है ग्रुप मेंबर आने या जाने से उसको आपको सम करना है। तो ये थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। अच्छा, अभी हमने फार्मूला या रीजनिंग अप्रोच करके हमने आंसर निकाल लिया आसानी से जल्दी से, लेकिन क्या ये फार्मूला सही है, इसको भी एक बार कम से कम हम चेक कर लेते हैं। चलिए जो हमारा बेसिक अप्रोच है उसको लेते हैं। 10 मेंबर थे, 20 उम्र थी, तो टोटल उम्र इनकी कितनी हो गई, अगर टोटल निकाले तो 20 × 10 आप करेंगे तो कितना होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, नए व्यक्ति के आ जाने से तो ये एवरेज टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 11, एवरेज हो गया 25, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हुआ, 25 दहम का 250 और 25 यानी 275 हो गया। ठीक है, अब दोनों को देखिए कैसे निकालेंगे, ये 11 लोगों का की कुल उम्र है 11 लोगों की, और ये 10 लोगों की कुल जो एज है वो है टोटल। अब अगर आपको नए व्यक्ति का निकालना है तो आपको क्या करना है, 275 में 200 आपको माइनस करना होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा आपको पेन चलानी पड़ी, मुझे भी पेन चलानी पड़ी आपको समझाने के लिए यहाँ पर।
जो हमारा बेसिक अप्रोच है जिसको हम लोग खासकर 6th 7th 8th के दौरान पढ़ते हैं, तो उसमें आपको जो है ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत पड़ी। और देखिए जितना ज़्यादा आप लिखेंगे पेपर के दौरान उतनी ज़्यादा आपकी गलतियाँ होने की चांसेज होती हैं। इसको हमने सिंपल अप्रोच से कैसे किया था एक बार फिर से देख लेते हैं, आप समझ लीजिएगा। एक भी प्रश्न में अगर आपने समझ लिया और कम से कम 4-5 प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस कर ली, तो हमेशा के लिए आपका ये सवाल हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा आपके माइंड में। लोग थे 20 बाद में, सॉरी एवरेज था 20 बाद में हो गया 25, डिफरेंस कितना आया 5 आ गया, और ग्रुप में मेंबर कितने थे पहले 10 थे, मल्टीप्लाई कर दिया 50 आ गया, और बाद वाला एवरेज आपने इसमें आके प्लस कर दिया तो कितना हो गया 75। आसानी से निकला यानी डिफरेंस आपको निकला 5, 20 और 25 में 5, मेंबर थे 10, 5 50 और बाद में कितना हो गया 25, 50 + 25 = 75। बिल्कुल सिंपल है, डिफरेंस आप निकाल लीजिए, टोटल मेंबर जितने थे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और नया एवरेज उसमें सम कर दीजिए, नया एवरेज सम कीजिएगा। इसको आपको ध्यान रखना होगा, प्रश्न आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक व्यक्ति अगर बाहर चला जाता है तो उसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 25 व्यक्तियों के एक ग्रुप में जो एवरेज एज थी ग्रुप की वो 50 थी, एक नया सदस्य उम्र में नए सदस्य के उम्र में शामिल होने पर, ये ग्रुप में शामिल होने से ग्रुप की उम्र जो है औसत उम्र 52 वर्ष हो जाती है, नए व्यक्ति की उम्र क्या होगी। तो देखिए ये भी बिल्कुल पहले की तरह है, तो यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं 50 थी पहले और फिर 52 हो जाती, तो डिफरेंस कितना 2 हो गया, 2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ग्रुप मेंबर जितने थे पहले तो 25 थे, 25 × 2 कितना हो गया 50 हो गया, और 50 में आपको बाद वाला जो है बाद में कितना उम्र हो जाती है 50 से बढ़ के 52 हो जाती है, तो 50 में 52 आप सम करेंगे कितना आएगा 102 आ जाएगा, राइट आंसर आपका पी हो जाएगा। एक बार इसको भी हम चेक कर लेते हैं जो हमारा बेसिक अप्रोच है कि क्या जो हमने 102 आंसर निकाला हुआ है क्या ये सही है। सिंपल देखिए 25 व्यक्ति थे और उम्र कितनी थी 50, ठीक है 25 और 50 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 25 1 2 5 0 दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया आ गया। अब एक व्यक्ति बढ़ गया तो व्यक्ति कितने हो गए 26 हो गए, ठीक है एवरेज कितना हो गई 52 हो गया, तो आपको 26 और 52 को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, ठीक है तो मैं के लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1352 और पहले आया था 1250, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 102 आएगा। तो इसका मतलब जो है जो हमने रीजनिंग अप्रोच अप्लाई की वो बिल्कुल सही ट्रिक थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम बेसिक अप्रोच से जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा हमको पेन चलाने की ज़रूरत पड़ रही है, जितना अधिक हम पेन चलाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो प्रोसेस हमारा टाइम टेकिंग होगा, समय भी हमको बचाना, और जितनी ज़्यादा आप पेन चलाने वाले हैं एग्जाम के दौरान उतनी ही ज़्यादा गलती होने के चांस है, तो एक्यूरेसी भी आपकी कम होती है। तो दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब एक तीसरा भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 30 व्यक्तियों के एक समूह में, ठीक है एक ग्रुप था जिसमें 30 मेंबर थे, एवरेज एज थी पूरे ग्रुप की 20, नए व्यक्ति के शामिल होने पर औसत उम्र 5 वर्ष बढ़ जाती है। अब यहाँ देखिए 5 वर्ष औसत उम्र बढ़ जाती है, तो आपको क्या था पहले 20 वर्ष थी जो एवरेज एज वो अब 25 हो जाती है, तो आपको यहाँ पर 5 जो है नहीं जोड़ना होगा, 25 जोड़ना होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमने कहा ना कि आपको ध्यान से समझना है, अगर कुछ सी चीज़ को आप रीजनिंग अप्रोच में ले जा रहे हैं बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले वाले सवालों में क्या होता था कि पूरा दे रहे थे कि भाई 50 से बढ़ के जो है 52 हो गई, लेकिन यहाँ पर सिंपल कहा कि 5 वर्ष बढ़ गई है, तो 5 वर्ष बढ़ के कितनी हो गई 20 से बढ़ के 25 हो गई। तो जब आप डिफरेंस देखिए सीधा सीधा यहाँ पर इन्होंने 5 दे दिया है, डिफरेंस को पहले वाले से आपको मल्टीप्लाई करना है, 30 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है जो नया एवरेज होता है उसको सम करना होता है, तो यहाँ पे तो डिफरेंस दिया हुआ है और पहले 20 था तो 20 + 5 = 25 हो गया, तो हमें कितना होगा 25 यहाँ पर सम करना होगा, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 175, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए सवाल की फ्रेमिंग की गई है 175 ईयर, तो कोई हम लोगों में से कोई जीता नहीं है
और फिर भी मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों की उम्र इससे भी कई हज़ार गुना ज़्यादा हो और सभी लोग जो है अपनी जीवन में, अपने जीवन में आप लोगों ने जो भी सपना देख रखा वो पूरा हो, ऐसी हमारी कामना है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये सवाल जो है हम ले लेते हैं, एक प्रश्न थोड़ा सा ग्रुप के बाहर जाने का। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक 10 व्यक्तियों के समूह के भार का औसत 20 kg था। एक व्यक्ति के ग्रुप के बाहर जाने के कारण ग्रुप का भार, जो भार का जो नया एवरेज है वो 18 हो जाता है, कोई बाहर जाएगा घट गया। गए हुए व्यक्ति का भार क्या था? तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने 10 व्यक्तियों का समूह था और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा था, पहले 20 था बाद में 18 हो गया, तो डिफरेंस 2 आया। 2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? जितने मेंबर्स थे ग्रुप में, तो 10 मेंबर्स थे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 10 2 20, प्लस जो नया एवरेज होता है उसको ऐड करना है, यानी 20 में नया एवरेज 18 हुआ ऐड करना है, कितना हुआ 20 + 18 38, कितना हुआ इसको देख लेते हैं। डिफरेंस 2 था, 20 और 18 का एवरेज 2 था, 2 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो 2 × 10 कितना हुआ 20 हुआ, नया एवरेज कितना था 18, सम किया 38। ये देखिए ग्रुप के सदस्य के बाहर जाने से हमने निकाला है इसको, तो कितना था 38 था, ऑप्शन ए आ गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा जो हमारा बेसिक अप्रोच होता है उससे भी देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। तो देखिए सिंपल उसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे इसको भी आपको बता देते हैं। एंड एक मिनट आप इसको देख लेते हैं। 10 मेंबर्स थे, 20 kg का वेट था, तो टोटल कितना हुआ 10 × 20, 20 kg वेट था पूरे ग्रुप के सदस्यों को मिला के। एक मेंबर चला जाता है तो अब आपके पास कितने मेंबर बचते हैं, 9 बचते हैं, और एवरेज कितना हो जाता है 18 हो जाता है। भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए 162। अब यहाँ कितना टोटल भार में डिफरेंस आ गया दोनों के, जब एक व्यक्ति चला गया तो उसका कम हो गया यहाँ पर, तो 162 से मल्टीप्लाई करें सॉरी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 200 में 160 जाएगा तो 40, और यहाँ पे 2 बढ़ गया है तो 2 यहाँ पे कम हो जाएगा 38, आप सीधे माइनस कर लीजिएगा। चलिए माइनस कर देते हैं 8 और 9 6 3 38। तो बिल्कुल सेम अप्रोच यहाँ पर, जो ट्रिक है, जो रीजनिंग अप्रोच है वो हमारी काम कर रही है। तो बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जो एक बार फिर से मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ, कभी भी कोई ग्रुप है उसका एवरेज दिया गया है, नए मेंबर आने या जाने से नया एवरेज आपको मिल रहा है, तो आपको सिंपल करना है एवरेज का डिफरेंस निकालना है, उसे पहले ग्रुप में जितने मेंबर थे उसमें से माइनस कर देना है, प्लस नया वाला एवरेज आपको सम कर देना है। तो ये था ओवरऑल आपका एवरेज का, जो हमारी जो फार्मूले के आधार पर जो रीजनिंग अप्रोच थी, जिसे मुझे लगता है कि आप मैथ स्ट्रीम से हो या ना हो इस अप्रोच को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक फार्मूला पर और ध्यान दे लेते हैं। समान दूरी को भिन्न भिन्न चालों से कवर करने पर औसत चाल, यानी अगर एक सेम डिस्टेंस है उसको अलग अलग स्पीड से कवर किया जाता है तो पूरी आपकी जो जर्नी है उसके दौरान एवरेज जो स्पीड है वो क्या रहेगी, ये आपसे पूछा जाए। इसमें याद रखना है कि जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए आप 20 किलोमीटर चलते हैं, पहले 10 किलोमीटर की स्पीड से, फिर बाकी आगे की 20 किलोमीटर चलते हैं 5 किलोमीटर की स्पीड से, तो इस तरीके का अगर सवाल होगा जहाँ पर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस में बदलाव ना हो रहा हो, तो आपको जो एवरेज निकालना होगा पूरी ट्रेवलिंग का, उसमें आपको डिस्टेंस की, वास्तव में डिस्टेंस का कहीं उसमें यूज ही नहीं होगा, ये टेक्निक ये कहती है। देखिए फार्मूला ये होता है 2UV/U+V, कहने का मतलब है जो अलग अलग आपकी स्पीड है उनको आपको मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है और दोनों स्पीड के सम से डिवाइड कर देना है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक व्यक्ति अपनी 24 किलोमीटर की यात्रा में जो फर्स्ट पार्ट है 12 किलोमीटर का उसको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है और जो लास्ट के डिस्टेंस है 12 किलोमीटर उसको 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 12 किलोमीटर पहले भी 12 किलोमीटर और बाद में भी 12 किलोमीटर है। कभी इसको कभी कभी ये ना कह के ऐसे भी आ जाता है कि पहली जो आधी की आधी दूरी है उसको इस स्पीड से कवर किया गया, बची हुई आधी दूरी को अलग स्पीड से कवर किया गया, तो वहाँ पर भी ये अप्लाई होगा। तो देखिए डिस्टेंस आपकी 12 किलोमीटर हो, 12,000 किलोमीटर हो, 12 लाख किलोमीटर हो, अगर
इक्वल डिस्टेंस को आप डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज कवर कर रहे हैं, स्पीड से कवर कर रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है, जो आपकी स्पीड है उसी सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमारा फार्मूला कहता है कि जो स्पीड है उसको आपको मल्टीप्लाई करके डबल करना है और स्पीड के सम से उसको डिवाइड करना है। देखिए इसको कैसे समझेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, पहले 3 किलोमीटर पर आवर है, बाद में 2 किलोमीटर पर आवर है। तो हमारी जो अप्रोच है, रीजनिंग अप्रोच है, वो ये कहती है, फार्मूला ये कहता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका डबल कर दीजिए। तो 3 2 6 का डबल कितना हो गया, 12 हो गया, और ये जो दोनों स्पीड है 3 और 2, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा, 12/5 किलोमीटर पर आवर। देखिए ऐसे सवालों को ध्यान रखने में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो जितनी भी यूनिट है वो सेम उसमें होना चाहिए। जैसे पहले क्या है, जो पहली स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, तो बाद वाली भी किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आपका किलोमीटर पर आवर में और दूसरा दे दिया मीटर पर सेकेंड में। आपने तो टिक याद रखा हुआ है रीजनिंग अप्रोच से कि ये आएगा तो ये हमें करना है, तो लेकिन कभी कभी क्या करेंगे कि आपके प्रश्न में एक जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर पर आवर में देंगे और दूसरे को मीटर पर सेकेंड में दे देंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये कैसे आप अलर्ट रहेंगे, सिंपल सी बात है कि कभी भी आप अगर प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम आप उसको 2 बार ज़रूर चेक कर लें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग है कि नहीं। जैसे अगर मैथ सॉल्व कर रहे हो तो आप देख लीजिए, अगर कभी भी अलग अलग स्पीड आ रही तो दोनों सेम यूनिट में है कि नहीं, यानी दोनों किलोमीटर पर आवर में है कि नहीं, नहीं है तो फिर आप एक को चेंज कर लीजिए, तब फिर आप इस अप्रोच को अप्लाई कीजिए। चलिए आगे कुछ और टॉपिक उठाते हैं। कभी कभी हमको जो है सैलरी में इंक्रीजमेंट की बात करते हैं, या जो कोई वस्तुएं होती हैं उनके मूल में जो वृद्धि हो जाती है, परसेंटेज में इंक्रीजमेंट होता है, उससे भी सवाल हमको देखने को मिल जाते हैं, कुछ प्रश्न मिल जाते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं फार्मूला हमारा क्या कहता है, और फार्मूला में याद नहीं रखना हमको, बस एक अप्रोच समझनी, उसके पीछे का जो कहना क्या चाह रहा है फार्मूला उसको समझना, बस उसी को अप्लाई करना है। मान लीजिए एक्स की सैलरी वाई से अधिक है, तो वाई की सैलरी एक्स से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, ये अक्सर दे दिया जाता है कि एक्स की सैलरी वाई से 20% अधिक है तो वाई की सैलरी एक्स से कितने प्रतिशत कम होगी, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। या दूसरे तरीके, इस तरह के भी आपको क्वेश्चन देख सकते हैं कि वस्तु के जो मूल्य है उसमें 8% की वृद्धि हो जाती है, और आपसे कहा जाता है कि भाई खर्चा ना बढ़े, तो आप बताइए कि उपभोग में कितनी कमी कर दी जाए। अक्सर इस तरह के सवाल देखे जाते हैं कि भाई चीनी का मूल्य जो है, द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज इतने परसेंटेज, अब आप रेट नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, तो अब आपको कितनी चीनी यूज़ में लानी चाहिए, तो इस तरीके के सवाल। तो इसके लिए सिंपल जो फार्मूला है वो होता है R/100+R(100%, यानी जो परसेंटेज दिया गया है उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें जो है 100 सम करके डिवाइड करना है, सिंपल तरीका है। तो चलिए एक उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं पहले फार्मूले को। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी अगर जो आपका राइस है उसका रेट 25% बढ़ जाए, तो आपको उसका कितना परसेंटेज जो है यूज कम कर देना चाहिए कि आपको जो खर्चा है, आपको जो बजट है वो सेम रहे। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहे हैं, 25% इंक्रीजमेंट की बात कर रहे हैं, कितनी 25% वृद्धि की बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि जो भी परसेंटेज इंक्रीजमेंट होगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी में हम जो है 100 सम कर देंगे, उसी में हम क्या कर देंगे 100 सम कर देंगे, यानी ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 100 सम करना है जब बढ़ने की बात की जा रही है। अगर ये घटने की बात होगी तो देखिए जो प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, तो एक को हम सही समझ लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 ऊपर और नीचे जाएगा 125, सिंपल हो गया। इसको आपको सॉल्व कर लेना, सिंपल इसको आपको सॉल्व कर लेना, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए कट तो करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत सिंपल है, 5 से है सीधे सीधे काट दीजिए। देख लीजिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 5 2 10, 5 5 25, यह 25 आ गया, ये 5, ये 500/25 आ गया, 25 के 25 दूना
20, तो यहाँ पे क्या आ गया 20%, यानी 20% की आपको कमी कर देना चाहिए। एक मैथ के द्वारा जो सिंपल फार्मूला उसको हमने अप्लाई किया हुआ है। एंड तो ये फार्मूले की बात रही, एक और मेथड है और जिसको मुझे लगता है कि आप सब लोग डेली अप्लाई करते होंगे, खासकर जो महिला अभ्यर्थी हैं वो तो आए दिन जब भी घर का बजट बनाती है सामान मंगाने के लिए तो अक्सर वो अप्लाई करती होंगी, उस मेथड को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर चावल के मूल्य में, ठीक है, जो चावल का प्राइस है वो 25% बढ़ गया, अब भाई आपको कितना उपयोग कम कर देना चाहिए कि आपको जो खर्चा है वो ना बढ़े, आपका बजट ना बिगड़े, सेम बजट रहे। तो देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, जब घर में रहते हैं देखते हैं कि भाई मान लीजिए पहले तो चावल 100 रुपये किलो था, अभी रेट बढ़ के वो हो गया 25% बढ़ा है ना, तो अब कितना हो गया, 25% बढ़ने का मतलब 125 रुपये किलो हो गया, यानी जो चीज़ 100 की मिलती थी वो 125 की मिल रही है। तो अब आपको बजट नहीं बढ़ाना, आपको 100 ही रुपये का मंगाना, तो भाई आप 100 रुपये के कितने चावल मिलेंगे, कैसे निकालेंगे, 125 रुपये का 1 किलो, नहीं 1000 ग्राम, तो यानी 12.5 रुपये का आपको कितना मिलेगा, 100 ग्राम मिलेगा, 100 ग्राम, तो 12.5 का यानी 12.5 का डबल करेंगे तो 25 रुपये कितना मिलेगा आपको, 200 ग्राम मिलेगा। 50 रुपये का कितना मिलेगा, 400 ग्राम मिलेगा। जब 50 रुपये का 400 ग्राम मिलेगा तो भाई 100 रुपये कितना ही मिलेगा, कितना मिलेगा, 800 ग्राम मिलेगा। पहले 100 रुपये कितना मिल रहा था जब रेट नहीं बढ़ा था, 1000 ग्राम मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है, 200 ग्राम, ठीक है। तो ये लगभग कितना परसेंट बढ़ गया, ये बढ़ गया जाके आपका 20%, 1000 का 200 ग्राम कितना होता है, एक एक जीरो हटा दीजिए, 100 में जितना आता है वो परसेंटेज होता है, तो 20% रेट बढ़ गया है, या 20% आपको कमी, सॉरी रेट नहीं बढ़ा, 20% आपको कमी कर देनी चाहिए क्योंकि 20% आपको कम मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा सिंपल अप्रोच होगा, इस तरीके से भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा अब एक देख ले, सेम फार्मूले पे जो हमारा बेस है, यदि राम की आय यानी राम की जो इनकम है वो श्याम की इनकम से 50% अधिक है, अभी हम अधिक वाली बात कर रहे हैं, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम होगी। तो यहाँ देखिए हमने क्या कहा था, फार्मूला सेम अप्लाई होगा, 50% है ना, तो 50 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है आपको, एक मिनट में बता रहा हूँ, यहाँ 50 है ना, तो 50 को 100 से अप्लाई करना है और 50 में 100 प्लस कर देना है, यही आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऊपर आपका कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 50 के आगे 100 ओवर 50 प्लस 100, 150, ये आपका आंसर आ गया परसेंटेज। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 3 जा 100 100 ओवर 3 यानी 33.13%। तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और सच मानिए मैथ खासकर जो हाई स्कूल लेवल की मैथ है बहुत ईजी है, ऑल्दो उसके आगे जब मैथ स्ट्रीम के लोग बढ़ते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर अल्फ़ाबेटिक का यूज होने लगता है, अल्फ़ाबेट्स का बहुत सारी थ्योरम्स आ जाती हैं, ठीक है, जितने भी आप साइंस में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तो सब फिर वो काफ़ी हाई लेवल की मैथ हो जाती है। तो यहाँ पर उतने कोई हाई लेवल की मैथ की आपको ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत ये आता है, मानसिक योग्यता के अंतर्गत, थोड़ी सी एक्सरसाइज, अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो बेहतर आप अपने को पाएंगे हमेशा के लिए। और देखिए जब कोई चीज़ हम समझ लेते हैं तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमें रटना नहीं पड़ता, क्योंकि रटी हुई चीज़ आपके मस्तिष्क पटल में कुछ ही समय के लिए रहती है, लेकिन समझी जो समझे हुए तथ्य हैं वो हमेशा के लिए आपके माइंड में रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि बार बार आपको मेहनत न करना पड़े, तो जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। देखिए ज़बरदस्ती आपसे नहीं कराया जा सकता है, आपको स्वयं करना होगा, ये तो प्रैक्टिस करना आपका काम है। अब यहाँ पर भी देखिए वृद्धि की बात करें, इंक्रीजमेंट की बात कर रहे हैं, ये चाय की कीमतों में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत की प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, खर्च पैसा ना बढ़े, सेम है। अब दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल ऐसे कर लीजिए जैसे हम लोगों ने फार्मूले के बेस पे बात की कि अगर 20% इंक्रीजमेंट है तो 20 × 100 ओवर 20 + 100, यही आंसर हो गया आपका, ये कितना हो गया, 2000 ओवर 120, 200/12 यानी 100/6 यानी 50/3 करते चलिए निकल आएगा। 50/3 का मतलब क्या हुआ,
आप इसको देख लीजिए, 3/1, आप इसको तो डिवाइड ही कर सकते हैं आप, 16 2/3%। ये कुछ प्रश्न है। अब यही अगर माइनस हो रही हो या रेट मान ले बढ़ नहीं रहे घट रहे, तो कितना खर्चा आपको बढ़ा देना चाहिए। सैलरी अगर कम है तो दूसरे कितनी अधिक होगी। तो सेम फार्मूला आपको देखिए लगाना है, प्रैक्टिस करना है। बस जहाँ पे ऊपर आप प्लस रख रहे थे वहाँ पे आपको क्या करना, माइनस कर देना है। इस फार्मूले में मत जाइए, ये कहता है क्या, बस उस पर जो हम लोगों ने अभी बात की उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चलिए कुछ और इसी भी प्रश्न को आप देख लीजिए। 60 जो 60 रुपीज़ केजी के एक चाय है, उसको 150 रुपी पर केजी वाली चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर है उसकी कॉस्ट 95 रुपी पर केजी आ जाए। तो ऐसे सवाल में देखिए कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल है। आप टिक समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। ये 60 रुपये है, ठीक है, और ये दूसरे का रेट 150 है, एवरेज कितना है, 95 है। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से इसमें माइनस करके इधर रख देना और इसमें माइनस करके यहाँ पे रख देना। तो देखिए 150 में 95 जाएगा तो कितना आएगा, 55। और देखिए बड़े में छोटा माइनस करना है, 95 में 60 जाएगा तो कितना आएगा, 35। यानी दोनों रेट आपको ऊपर रखना है, एवरेज के आपको बीच में रख देना है और माइनस करके रख देना है। तो देखिए 95 माइनस 60, बड़े में छोटा माइनस करना, 35 आएगा, और 150 माइनस 95 कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। उसके बाद जो ये नंबर मिलते हैं इनको आप बस सिंपल कर लीजिए, जैसे 5 1 जा 5 1 जा और ये 5 7 जा, तो कितना आया, 11 और 7। तो कितना रेशियो आ गया, 11 और 7, 11:7। बिल्कुल सिंपल तरीका है, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से जो दो नंबर हैं एक को इधर लिख दीजिए दूसरे को इधर लिख दीजिए, एवरेज को आप थोड़ा सा बीच में रख लीजिए, बस माइनस करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। बड़े में छोटे माइनस करना, देखिए 95 में 60 जाएगा तो 35, और 150 में 95 जाएगा तो किधर आएगा, 55 आएगा, सॉरी 150 में 95 जाएगा तो 55 आएगा। इस सीध में ही रखना है, इसका याद रखिएगा, क्रम मत तोड़िएगा। 5 1 जा 5 1 जा, 5 7 जा, तो 11:7। अब इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्नों की आप और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रश्न देखिए मैथ का जो पार्ट था उसमें हम आप बीच नहीं रखेंगे, सारा एक साथ करेंगे तो माइंड में खिचड़ी बन जाएगी। आप जो टॉपिक हमने आज शेयर किए हैं आपसे उनकी आपको प्रैक्टिस करना है, अपने मन से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा और मैं भी कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे पाऊँ। आप थोड़ा सा रीजनिंग के भी एक दो सवाल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक श्रृंखला की बात करते हैं हम, एक पूरी सीरीज होती है और उसमें से कोई नंबर मिस होती है और वो आपको बताना होता है कि यहाँ पर क्या आएगा। इस तरह के प्रश्नों का तात्पर्य होता है कि जो आपके सामने समस्या दी गई है, सामने वाले ने जो भी सोच के वो समस्या क्रिएट की है, उसके माइंड को आपको पकड़ना है और सेम पैटर्न पर चलते हुए आपको जो मिसिंग नंबर है उसको प्रेडिक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ 3 5 11 -43, यानी 3 5 11 and 43। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 3 2 जा 6 -1 5, 5 2 जा 10 +1 11, तो यहाँ क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, एक बार एक सम करना, एक बार एक माइनस करना है। देखिए जो भी इस तरह सीरीज होती है उसमें पूरा एक पैटर्न ही फॉलो किया जाता है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बीच के एक नंबर मिस कर दी जाती है। तो आपको नंबर ढूंढने की ज़रूरत होती है सेम, और ये भी प्रैक्टिस से आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं जो सीरीज हमारी बन पा रही है, 3 2 जा 6 -1 5, 5 2 जा 10 +1 11, तो एक बार माइनस हुआ एक बार प्लस हुआ, तो अब क्या होगा, माइनस होगा, 11 2 जा 22 -1, यानी 21। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके आगे भी बढ़ के हम जरूर देख लेते हैं कहीं ऐसा नहीं कि अगला पैटर्न में मिल रहा हो कि नहीं। तो 21 × 2 करोगे तो 42, और +1 का नंबर आ गया तो +1 करेंगे तो 43। यानी सेम पैटर्न जो हमें मिल रहा था, जो हमने प्रेडिक्ट किया था, उसमें जो हमने अप्लाई किया और आगे वाली नंबर हमको मिल गई, तो इसका मतलब है कि पूरा जो ये प्रोसेस था उसको हमने समझ लिया और हमारा प्रोसेस सही है। सिमिलरली एक नंबर और देख लेते हैं सीरीज। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 1 2 6
15 देखिए नंबर में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, तो नंबर में जब अगर बहुत कोई सीरीज है उसमें बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, नंबर बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो, या बहुत तेजी से घट रही हो, तो इसका मतलब इसमें स्क्वायर या क्यूब किसी नंबर का जोड़ा या घटाया जा रहा है। तो पहली नंबर है 1, दूसरी देखिए हमने 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो 2 मिल गया, फिर 2 का स्क्वायर हमने किया इस तरह, देखिए यहाँ पे हर संख्या का स्क्वायर सम हो रहा है, 1 है, 1 में 1 का स्क्वायर किया 2, 2 नंबर में फिर हमने 2 का स्क्वायर जोड़ा 4, तो 6 हो गया, 6 में फिर हम 3 का स्क्वायर जोड़ दें, 3 3 9 25, अब हम 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे 15 में, 16 और 15 31, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। तो ये नंबर सीरीज है। इस तरह देखिए अल्फाबेट के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रीजनिंग के अंतर्गत, जैसे एक आपको सीरीज दे दी गई है MOQ NPR OQS, तो अगला टर्म इसमें क्या हो गया है? देखिए इसमें एक एक अक्षर को हम वर्ड को लेते हैं चलते हैं, जो पहला वर्ड क्या है वो क्या है MNO, आप एक मिनट देखिए यहाँ पर पहला अक्षर M है, फिर N है, फिर O है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा P आएगा, एक सेंस मिला, और जैसे P आ गया तो दिए गए विकल्प में आज जिसमें P नहीं है स्टार्टिंग में वो तो अपने आप हट जाएगा। अब दो बच्चे, फिर आगे देखा OPQ, तो अब क्या आएगा R आएगा, तो R वाला अगर हमारे पास है तो मिल जाएगा, तो यहाँ पे R साइड में लिखा होगा, देखिए R इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये दोनों कट गए, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, सीधे चौथे ऑप्शन का PRT, और ऑप्शन है नहीं कोई और। देखिए ऐसे सवाल में जहाँ पर आपका आंसर मिल जाता है और पिछले आंसर ऑप्शन सारे कट चुके होते हैं, तो फिर आगे आपको सॉल्व करके अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर मिल गया, आप आश्वस्त हैं सही है, तो आप आगे बढ़ जाइए क्योंकि आपको समय भी बचाना है। तो दोस्तों कुछ जो पॉइंट हमने आपसे बात की, अब अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ हम और प्रैक्टिस के लिए प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे, आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार।